Hello students, hope you all are well and safe. So let me introduce myself first. Most of you might know me, and for those who do not know me, my name is Mebinti Beni and I will be teaching you mathematics for this year. Before starting the class, I want you all to get the textbooks and go and buy two notebooks, one for class book which you have to take notes for what I am teaching in this online class, and other for the homework that I will provide you. Please do submit your homework in PDFs. So let's start our first chapter, that is rational numbers. Okay, so we all have heard about numbers in our previous classes, like what are numbers. Okay, हमने बचपन में सुना है, जब हम फर्स्ट टाइम हमने मैथ्स पढ़ा था तब हमें पढ़ाया गया था नंबर्स, है ना? करेक्ट, क्या पढ़ाया था? 1, 2, 3, 4, 5, यही सब पढ़ाया गया था जब हमने पहली बार नर्सरी, LKG, UKG या फर्स्ट में मैथ्स पढ़ी थी, तो हमें यही पढ़ा गया था नंबर्स में. तो ये रैशनल नंबर्स क्या है? तो सबसे पहले आज हम थोड़ा बेसिक वापस, हमारा जो बेसिक है उसमें हम वापस रिव्यू करते हैं ना कि हमने पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ा था. सो हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े हैं, हमने 5th, 6th और 7th में टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं. ठीक है, कुछ टाइप के नंबर सबसे पहले हमने पढ़ा था, हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर. ठीक है, अब शायद आपको याद नहीं हो रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है. नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं. इस 1 और इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर, 1 और इन्फिनिटी को भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, जो भी नंबर होते हैं हम उन सबको नेचुरल नंबर कहते हैं. एक और बात सुन लीजिए, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं. ठीक है, वो नंबर जो 1 और इन्फिनिटी में आते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं. दूसरा होता है हमारा होल नंबर. अब ये होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस 0, मतलब 0 भी इंक्लूडेड होता है. होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर. ये जो सिंबल है ये इन्फिनिटी का है. किसका? इन्फिनिटी का. ओके, कोई डाउट तो नहीं है? अब हम जल्दी से रिव्यू करेंगे. हमारा जो थर्ड वाला है, थर्ड टाइप ऑफ नंबर है, वो है हमारा इंटीजर्स. क्या है? इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स देखो, हमने 0 देख लिया, हमने सारे पॉजिटिव नंबर देख लिए, लेकिन नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं. तो सारे नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, ये इन सबको हम कहते हैं क्या? इंटीजर. मतलब इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी में जो भी नंबर आते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स. कोई डाउट नहीं ना? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर. क्या है वो हमारा? जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है वो हमारा चैप्टर का नेम है, वो है रैशनल नंबर. क्या है? रैशनल नंबर. अब हमने सारे टाइप के नंबर तो देख लिए, हमने पॉजिटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिया, 0 देख लिया, तो और क्या बचा? और भी बचा है क्या? एक तो हमारे जो नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं, ये क्या होता है? इसको कहते हैं फ्रैक्शंस में नंबर होना. रैशनल नंबर में अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमेशा p/q के फॉर्म में होते हैं. p/q मतलब ऊपर एक नंबर होगा, एक नीचे ऐसा साइन होगा और नीचे एक दूसरा नंबर होगा. ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है हम उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. ठीक है, कोई डाउट? तो ये हमारा पी और क्यू होता है. लेकिन इस पी और क्यू में यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, ये पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, एक्सेप्ट एक कंडीशन है कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता. अगर क्यू 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है. क्यू 0 मतलब नीचे वाला नंबर कभी भी, नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता. सो अगर मैं आपको एक बार बताऊं, जैसे 2/4 ये एक रैशनल नंबर है. ठीक है, 3/7 ये एक रैशनल नंबर है. यहाँ दिखा देता हूँ, 2/-7 ये एक रैशनल नंबर है. लेकिन
अगर यहाँ मैंने लिख दिया 2/0 तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है। अंडरस्टूड? सो एक और बार मैं आपको, अच्छा ये हमारा चैप्टर का नेम है तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से ज़रूरी है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो एक और बार सुन लीजिए, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो हमेशा पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। किसके? पी बाय क्यू के फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है। पी और क्यू कोई भी इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, इवन ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि क्यू कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है आपको पता है? आई नो आप लोगों को पता होगा, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि क्यू को ज़ीरो नहीं करते। क्यू हमारे रैशनल नंबर में क्यू इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि मैथ्स में अगर कभी भी किसी भी नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आता है तो हम उसे लिखते हैं अनडिफाइंड। मतलब मैथ्स में ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो हो। हाँ, लेकिन मैथ्स में ये हो सकता है, 0/2 इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट है, लेकिन 2/0 इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर नॉट इक्वल टू 2। मतलब मैथ्स में ये वाली चीज़ तो होती ही नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना? सो लेकिन ये नंबर आते कहाँ हैं? ये नंबर पी बाई क्यू, पी बाई टू, ये रिप्रेजेंट क्या करता है ना? तो हम लोग ये समझते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं। अब मैंने लिख तो दिया दो नंबर ऊपर नीचे, पर ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/4, इसका मतलब क्या हुआ? अब पहले ये देखो, मैंने यहाँ लिख तो दिया 2/4, ये इसके लिखने का मतलब है 2 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 4, ओके? अब आप लोगों ने डिवाइड तो बचपन से सीखा होगा, तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, यहाँ 20 हो जाएगा, 5 times 20, तो वी गॉट द आंसर 0.5। अब जो हमने नेचुरल नंबर सीखा था, जो होल नंबर सीखा था और जो इंटीजर सीखा था, उसमें कहीं पे भी 0.5 पॉइंट वाली टर्म्स तो थी ही नहीं, है ना? तो ये जो पॉइंट वाली टर्म्स होती है इन्हें हम कहते हैं डेसिमल्स, ओके? देखो 0.5 0 और 1 के बीच में आता है। वापस लिख देता हूँ, ये जो 0.5 है वो 0 और 1 के बीच में आता है, है ना? बट नेचुरल नंबर में तो हमारे पास 0 है और 1 है, नेक्स्ट बीच वाले नंबर्स नहीं हैं। तो ये जो बीच वाले जो नंबर्स होते हैं, हर दो नेचुरल नंबर्स के जो, या होल नंबर के जो बीच वाले जो नंबर्स हैं, उन्हें जो हम, जिसको हम डिविजन्स कहते हैं, उन डिविजन्स को दिखाने के लिए हम लोग रैशनल नंबर एंड डेसिमल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? कोई डाउट? आई होप सो नहीं होगा। सो मैं आपको एक और बार समझाता हूँ कि क्या हमने अभी तक जो भी पढ़ा, मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, ठीक है? लेट्स फर्स्ट मुझे ये क्लियर कर लेने दीजिए। सो आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमारी जिस दिन भी हमारी जूम क्लासेस होंगी, लाइव जूम क्लासेस होंगी, उसमें आप उससे पूछ सकते हैं, ओके? सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, आप उसको, जितना आपको समझ आया है उसको अपनी कॉपी में उतारने की कोशिश कीजिए, ठीक है? सबसे पहले लिखिए नंबर्स, नंबर्स में क्या होते हैं, सबसे पहला लिखिए नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर लिखिए होल नंबर क्या होता है, जितना आपको समझ आया, ओके? जितना आपको समझ आया उतना लिखिए। अभी मैं वापस एक ओवरव्यू और दे देता हूँ आपको, ठीक है? सो वापस से मैं समझा देता हूँ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सपोज मैं यहाँ ऐसे लिखूँ कि यहाँ ज़ीरो, एक थोड़ा और साइड में ले लेते हैं ताकि हमें अभी बुक की ज़रूरत नहीं है, तो हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, ओके, दिस इज इनफ। अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूँ कि हमारा नंबर कहाँ से, अगर ये मेरा 0 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक, ये जो मेरा पोर्शन है ये मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, ओके? अंडरस्टूड? ये अगर इसमें मैं 0 भी इंक्लूड कर दूँ तो ये मेरा क्या है, होल नंबर।
अब मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे इन्फिनिटी तक ये भी है, अगर मैं अब इनको सारे को लिख दूँ तो ये मेरा क्या है, इंटेजर्स। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है इन नंबरों के बीच का कोई फ्रैक्शन। क्या क्या जीरो के बाद में जीरो के बाद में सीधा वन आता है? हाँ, मैथमेटिकली जीरो के बाद वन आता है, लेकिन 0.1 0.2 0.3 0.4 ये भी तो होता है। इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रैशनल नंबर चाहिए। जैसे हमने अभी देखा था 0.5 को 2/4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना। सो आई होप आपको रैशनल नंबर थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, है ना, कि ये रैशनल नंबर है क्या, कहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, स्टार्ट विद द चैप्टर रैशनल नंबर्स ना। आई होप सो आपको बेसिक समझ आ गया होगा। प्लीज़ डू मेक नोट्स ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो जब हम क्वेश्चन आंसर्स और ये सब करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हम देखो मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं ना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ना। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा रैशनल नंबर क्या है ना। सो हमने अपना फर्स्ट वाला टॉपिक देख लिया कि रैशनल नंबर क्या है, और उससे पहले का थोड़ा कुछ हमने रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे सपोज अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसकी, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ओके, देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, इस पर राइट करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। सो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के समझ लेना। ओके, थोड़ी दिन प्रैक्टिस के बाद आई गेस ये सही हो जाएगा, बट समझने की कोशिश। आपको जो भी समझ नहीं आ रहा, यू नीड टू आस्क मी। ओके, यू नीड टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और यू नीड टू राइट इन द व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है उसमें आपको जितने भी जो भी डाउट हो जस्ट आस्क देयर एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ लिखा 2/4, इसी का एग्जाम्पल लिया था पहले भी, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों में क्या 2 कॉमन है, अरे इन दोनों में 2 कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँ, मतलब मैंने क्या किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड किया, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, तो क्या बन गया, 1/2, है ना, करेक्ट। सो हमने अभी ये देखा। अब ये देखो 2/4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 × 2 = 4, और ये 8, 4 × 2 = 8। अब ये क्या है, अब ये सारे, अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1/2 कितना आएगा, 1 जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 जा ये 10, तो आंसर